स्टेट न्यूज 70 में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थान हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन काले आम द्वारा कल साढ़ौरा के डीएवी पब्लिक स्कूल में एक विशेष मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठित अखबार पंजाब केसरी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा छात्रों को सम्मानित किया गया। उन्हें मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, साथ ही उनके आगामी भविष्य में उनके लिए अपार संभावनाओं से उन्हें अवगत भी करवाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी सुनीता त्यागी सहित डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सढ़ौरा एवं रसूलपुर के प्रिंसिपल मैडम द्वारा किया गया। संस्थान के वाइस चेयरमैन श्री विकास बंसल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। संस्थान के वाइस चेयरमैन श्री विकास बंसल द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुनीता त्यागी सहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सढ़ौरा के प्रिंसिपल रामरतन ग्रेवाल एवं डीवी पब्लिक स्कूल एवं राजकीय उच्च विद्यालय रसूलपुर के प्रिंसिपल मैडम को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित समाचार पंजाब केसरी के सढ़ौरा से प्रतिनिधि पत्रकार सतपाल शर्मा को भी संस्थान द्वारा सम्मानित किया। इस आयोजन के बारे में खंड शिक्षा अधिकारी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बच्चों के लिए हेल्पफुल है जी। बैंक वाले भी जो है लोन दे रहे हैं, कैंपे तो बच्चे जो है आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं जी। थैंक यू। जानना चाहेंगे आज किस प्रकार का ये कार्यक्रम था, बच्चों को सम्मानित किया गया आपके संस्थान की तरफ से, क्या उद्देश्य रहा इसमें? सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। ये जो प्रोग्राम है हमारा, जो कॉलेज है यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे। जी जी जी। और हम चाहते हैं कि जितने मेरिटोरियस बच्चे हैं आज दूर दूर जा रहे हैं, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, बहुत दूर दूर जा रहे हैं और वहाँ पर नशे का शिकार हो रहे हैं। जी जी। हिमाचल में हमारा कॉलेज है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, हर सुविधा है, और बच्चों के लिए जो हमारी फ़ीस है बहुत मिनिमम है। अगर पंजाब में जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनको तीन तीन गुना फीस पे करनी पड़ती है। जी जी जी। रात्रि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत मिनिमम फीस पे बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं। हमारे 9 बच्चे जज हैं हमारे कॉलेज के, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर हैं। अभी हमारे बच्चे को 46 लाख का पैकेज मिला है इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी में 30 लाख का पैकेज मिला है, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर हैं। फार्मा में लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, लॉ में काम कर रहे हैं, बहुत सारे सरकारी टीचर्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर आज लोग बैठे हुए हैं। और इन बच्चों को सम्मानित करने का पर्पज ये था कि बच्चे दूर दूर ना जाएं, उनको नियर बाय में बड़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही है, उस सुविधा का वो बेनिफिट। चलिए धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू। प्रिंसिपल बीए कॉलेज जी काला आम हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एससी या आप स्कॉलरशिप के लिए बेस्ड जो भी आप एडमिशन्स लेंगे तो उनमें आपको बहुत से फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ आलमोस्ट प्रोफेशनल डिग्री है, जो जनरली एक स्किल की हम बात करते हैं वो स्किल सिर्फ हमारे यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। एक डिग्री कॉलेज से बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो जो स्किल का एक ट्रेंड है कि हम स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो आज के टाइम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है हमारे यूथ को। तो हमारे यहाँ वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एमबीए की बात करते हैं, फार्मेसी की बात करते हैं, लॉ है हमारे पास, या फिर नर्सिंग है, जीएनएम है, बीएड है, तो ये सभी कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। और बहुत सारी फैसिलिटीज इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। 22 साल से हम लोग एजुकेशन के फील्ड में बने हुए हैं और दिन प्रतिदिन जो है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो हमने एप्लीकेशन किया है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, कि ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और आगे बढ़े, इनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। पेरेंट्स ने, स्कूल ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दी हैं बच्चों को, तो हम भी चाहते हैं कि इनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि ये इन फ्यूचर जो हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें इनको। तो हम वेलकम करते हैं इन बच्चों का अपने कॉलेज में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि संस्थान के द्वारा मेधावी
विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, मेडल आदि देकर सम्मानित किया गया। सभी विद्यार्थियों की ग्रुप फोटो आदि भी वहां पर खींची गई। विद्यार्थियों में एक विशेष प्रकार का उत्साह भी नजर आ रहा था जब वो सम्मानित हो रहे थे। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कालियाम ने न केवल छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि छात्रों के भविष्य को भी उज्जवल बना रहा है। संस्थान के वाइस चेयरमैन श्री विकास बंसल ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं जो हमारे युवा हैं वे दूसरे आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक उदाहरण बन सके जिससे वे आगे चलकर अपने परिवार ने बल्कि देश का नाम भी उजागर कर सके। संस्थान द्वारा इस कार्यक्रम में न केवल सरकारी विद्यालयों के बल्कि प्राइवेट विद्यालयों, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को भी आमंत्रित करके उनके मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। हमने सम्मानित हुए अनेकों विद्यार्थियों से बातचीत भी की। हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे जुड़ चुके हैं जिनको यहाँ पर हिमालयन संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया, तो इन बच्चों से जानकारी लेते हैं कि इनको ये कार्यक्रम कैसा लगा। जी मुस्कान, कैसा लगा प्रोग्राम? सर हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमें एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई और जो बच्चे अपने कम पैसे में नहीं पढ़ सकते उनको एजुकेशन हायर करने के लिए लोन लेने की भी जानकारी दी गई। जी जी बहुत बढ़िया। हाँ क्या बोलेंगे? हाँ जी सर, हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और हमें यहाँ पर बहुत खुशी मिली। हम भी चाहेंगे कि हम हिमालय कॉलेज में एडमिशन ले और हिमालय कॉलेज का बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, हमें इस कॉलेज में बहुत अच्छा लगा सर, हमें यहाँ पर बहुत जानकारी प्राप्त हुई। ऊंचा थोड़ा ऊंचा बोला। हमें इस कॉलेज में बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पर आके हमें बहुत जानकारी हासिल हुई इस कॉलेज। चलिए हाँ जी, कोई बोलना बोलो जी, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। ठीक लगा? चलिए चलिए, तो बच्चे भी बता रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और बच्चों को सम्मानित हिमालयन ग्रुप द्वारा किया गया, तो बच्चे हिमालयन ग्रुप का जो है अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के कोर्सेज की जानकारी इन बच्चों को मिले, ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, विद्यालयों में इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती, तो संस्थान का ये एक अच्छा प्रयास रहा और इन बच्चों को इकट्ठा करके उनको सम्मानित भी किया और साथ ही एक अच्छी जानकारी इन बच्चों को प्रदान की। तो ये बच्चे संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद। All the directors and principals of Himalayan institutes, all other teachers and principals of various schools, my dear students, a very warm welcome to you on this very special occasion. ये जो आज का महोत्सव है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12वीं के एग्ज़ाम में हाल ही के इस साल में एक महारत हासिल करी है। महारत मीन्स बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है, तो उन सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है इस बहुत ही ऑस्पिशियस और इम्पोर्टेंट फंक्शन में। बच्चों, स्कूली शिक्षा जो होती है, द स्कूल एजुकेशन, वो बच्चों के कैरियर में एक नींव का काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है। और हम सबको गर्व है, हम सबको ही नहीं, आपको, आपके पेरेंट्स को भी गर्व है कि आपने अपनी नींव को मजबूत कर लिया है। और अगर आपकी नींव मजबूत हो गई है तो इसका मतलब है कि आगे वाली जो आपका कैरियर होने वाला है वो आपकी बड़ी मजबूत तैयार होगी। तो इस मजबूत नींव पर अगर आप उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की बिल्डिंग खड़ी करेंगे, अगर वो अच्छी होगी, उसका आर्किटेक्ट अच्छा होगा, तो आपका कैरियर जो है चार चौंद जो है वो है उन्नति करेगा, यानी कि आपका कैरियर जो है बहुत मजबूत, सुंदर और कठोर बनेगा। तो यहाँ से आपकी एक लाइफ शुरू होती है, आपने जो अपनी स्कूली शिक्षा पढ़ने को जीवन के पथ पर बढ़ने को जीवन
वास्तव में संस्थान का यही प्रयास है कि उनके विद्यार्थी उच्च से उच्चतर शिखर पर पहुंचे। संस्थान के वाइस चेयरमैन विकास बंसल ने बताया कि संस्थान में इंजीनियरिंग विभाग के अमन शर्मा को उच्च पद के साथ 40 लाख पैकेज के साथ नियुक्ति हुई है। इंजीनियरिंग के बाद छात्र प्राइवेट नौकरी नहीं बल्कि सरकारी नौकरी जैसे जूनियर इंजीनियर, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सहित सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। वह हमारे संस्थान के फार्मेसी विभाग के छात्र राजीव कुमार बेंगलोर में बायोटेक फाइजर समूह में 30 लाख पैकेज पर कार्यरत हैं। फार्मेसी करने के बाद फार्मासिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्च ऑफिसर आदि बन सकते हैं और अपनी कंपनी, मेडिकल स्टोर आदि भी स्थापित कर सकते हैं। संस्थान के अन्य विभाग मैनेजमेंट के बाद कुछ हमारे छात्र उच्च पद पर कार्यरत हैं जिनका सालाना पैकेज 20 लाख रुपए का दिया जा रहा है। मैनेजमेंट करने के बाद छात्रों को उच्च स्तर की कंपनियों के फाइनेंस और HR व मार्केटिंग में भी भविष्य बना सकते हैं। संस्थान में नर्सिंग विभाग में छात्र नर्सिंग प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। अधिकतम छात्र विदेश में अलग अलग पद पर उच्च वेतन में अपनी सेवाएं प्रदान भी कर रहे हैं। संस्थान के कानून विभाग में काफी छात्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। ला करने के बाद छात्र लिमिटेशन लायर, न्यायाधीश, न्यायपालिका परीक्षा, कंपनी सेक्रेटरी, कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज, लीगल एडवाइजर, लिटिगेशन लायर इत्यादि में अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। हिमालयन संस्थान ने गत वर्ष कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग नया कोर्स का विद्यार्थियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उसका शुभारंभ भी किया है। हिमालयन ग्रुप विद्यार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण हर घर को रोजगार की सुविधा सुनिश्चित कराते हुए साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के सरकारी बैंक के साथ शिक्षा ऋण की सुविधा 1% से भी कम ब्याज दर पर प्रति माह पर उपलब्ध करवाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ समझौता है कि कोर्स संपूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को बहुत कम पैसों में विदेश में भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। वास्तव में हिमालयन संस्थान इस इलाके के विद्यार्थियों के लिए एक वरदान बना हुआ है। संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों प्रकार के कदम लगातार उठा रहा है। DAV स्कूल में आयोजित यह कार्यक्रम संस्थान का विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की राह में एक नया कदम साबित होगा। तो ये थी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम से स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।